ये हीरो सुपर स्प्लेंडर है, ये गाड़ी रन हुआ है 3,400 किलोमीटर रन हुआ है, 2023 का मॉडल है, 2023 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर है ये, फर्स्ट ये टीवीएस एंट्रोर्क है, ये 2021 का दिसंबर महीना का गाड़ी है, अच्छा। ये रन हुआ है 25-26 हजार किलोमीटर, ये 2020 का मॉडल है, अपाची आरटीआर 160 20 का मॉडल है ये अपाची आरटीआर 160, लगभग 20,000 के आसपास ये किलोमीटर चला है और फर्स्ट ओनर है ये 2020 का मॉडल। ये 2018 का मॉडल का गाड़ी है, ये रन हुआ है 37 हजार किलोमीटर, सेकंड ओनर का गाड़ी है। 18 का मॉडल है, लगभग 37,000 के आसपास किलोमीटर चला है इसका, और ये गाड़ी है सेकंड ओनर गाड़ी। महिंद्रा सुप्रो है, 2022 का मॉडल है ये, महिंद्रा सुप्रो 2022 का मॉडल है ये, और कितना किलोमीटर लगभग ये चला हुआ है 28 हजार किलोमीटर। ये 2019 का मॉडल का गाड़ी है, 2019 का गाड़ी है, इंटीरियर दिखाओ भाई यहाँ से, कितना किलोमीटर लगभग चला ये? ये चला हुआ है आपका 22-23 हजार किलोमीटर रन हुआ है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग हैं कुच बिहार या अलीपुर द्वार के आसपास के एरिया से और आपको तलाश है सेकंड हैंड बाइक्स की या फिर कॉमर्शियल व्हीकल्स की, जैसे कि ये रहा इसके जैसा, वो भी एक ही जगह, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज हम लोग आए हैं व्हीकल पॉइंट पे जो है फलाकाटा के अंदर। यहाँ पे आपको बाइक्स के साथ साथ सेकंड हैंड कॉमर्शियल व्हीकल्स भी आपको यहाँ पे मिलेगा, तो इन सारे प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं आज, वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। और प्रोडक्ट के साथ साथ हम लोग रीफाइनेंस और ओनरशिप चेंजेस के बारे में भी जानकारी लेने वाले हैं शोरूम के ओनर से। तो अभी सीधा चलते हैं अंदर, मिलते हैं शोरूम के ओनर से और करते हैं वीडियो चालू और लेते हैं पूरी जानकारी। चलो, तो हमारे साथ है शोरूम के ओनर, तो नमस्ते दादा, कैसे हो? बढ़िया चल रहा है। अच्छा, तो सबसे पहले जो मेरा सवाल है, आपका जो ये शोरूम है, ये लोकेशन कहाँ है शोरूम का, अगर किसी को आना है तो कहाँ आना पड़ेगा? ये फलाकाटा MBSTC के बस स्टैंड जो है, हाँ, उसके बिल्कुल नजदीकी है। अच्छा, बस से उतरने के बाद थोड़ा सा आने से, फोन करने से भी मिल जाएगा, कॉल करने से भी हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस वगैरह तो मिल ही जाएगा और शोरूम के भैया के फोन नंबर भी आपको मिल जाएगा। फलाकाटा में जो NBSTC स्टैंड है उसके बगल में ही है ये शोरूम, और आपके यहाँ पे रिफाइनेंस अवेलेबल है? जी बिल्कुल, रिफाइनेंस बाइक के लिए, फोर व्हीलर के लिए, सबके लिए रिफाइनेंस, सबके लिए ही रिफाइनेंस अवेलेबल है। तो शुरू करते हैं पहले बाइक से, तो पहले बाइक्स की जानकारी लेंगे, उसके बाद चलेंगे सीधा फोर व्हीलर की तरफ। तो पहले बाइक रहा ये हीरो की सुपर स्प्लेंडर। तो हमारे साथ है शिवू राज जो हमें प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने वाले हैं, तो क्या डिटेल्स है दादा इसका? ये हीरो सुपर स्प्लेंडर है, ये गाड़ी रन हुआ है 3,400 किलोमीटर रन हुआ है, 3,400 किलोमीटर सिर्फ चला हुआ है। हाँ, ये सुपर स्प्लेंडर बिल्कुल स्क्रैचलेस है मेरे सामने, जैसे कि अभी अभी शोरूम से निकला हो भाई। और कौन सा मॉडल है? 2023 का मॉडल है, 2023 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर है ये, फर्स्ट ओनर है ये, 2023 का मॉडल, 23 का मॉडल है ये। और प्राइस क्या रखा है आपने इसका? उसका प्राइस है 75,000, ओनली 75,000 प्राइस रखा है इसका, और ये प्राइस थोड़ा बहुत नेगोशिएबल है और रिफाइनेंस भी यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद चलेंगे TVS की इंटोर्क की तरफ, ये भी बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है, लगभग स्क्रैचलेस। तो क्या डिटेल्स है इसका? ये TVS इंटोर्क है, ये 2021 का दिसंबर महीना का गाड़ी है। अच्छा, 2021 का दिसंबर की गाड़ी है, कंडीशन आप लोग देख सकते हो, कितना किलोमीटर चला ये? ये रन हुआ है 25-26 हजार किलोमीटर, 25,000 to 26,000 किलोमीटर चला हुआ है ये स्कूटी। और ये सेल पर है व्हीकल पॉइंट पे। अगर आपको इस शोरूम पे किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कोई भी जानकारी लेनी हो तो नीचे आए नंबर से आप शोरूम के ओनर से बात कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी आप लोग चेक कर सकते हैं, वहां भी आपको डिटेल्स मिल जाएगा। और प्राइस क्या रखा है अपने इसका? इसका प्राइस है 75,000, ओनली 75,000 TVS इंटॉर्क की प्राइस है, ये 2021 के दिसंबर की गाड़ी है। उसके बाद हमारे पास है TVS की अपाचे RTR, ये 160 है कि 180 है? 160 है, 160 है। क्या डिटेल्स है इसका? ये 2020 का मॉडल है, अपाचे RTR 160 20 का मॉडल है ये, अपाचे RTR 160, फर्स्ट ओनर है कि सेकंड ओनर है? ये भी फर्स्ट ओनर है। और कितना किलोमीटर लगभग चलाई? ये चला है आपका 20,000 किलोमीटर,
लगभग 20,000 के आसपास ये किलोमीटर चला है और फर्स्ट ओनर है ये 2020 का मॉडल। प्राइस क्या रखा है आपने? इसका प्राइस है ऑल कंप्लीट इंक्लूडिंग करके 80,000 रुपया। 80,000 इसका प्राइस है। इसमें सब कुछ इंक्लूडिंग है, ओनरशिप चेंजेस से लेके सब कुछ, आपको कुछ भी खर्चा करना नहीं पड़ेगा। और उसी के साथ आपको ये बाइक लो आप सुपर स्प्लेंडर या फिर एंटर कोई भी ले लो, आपको एक फ्री में हेलमेट मिल रहा है या से व्हीकल पॉइंट से। उसके बाद चलेंगे हीरो की प्लेजर की तरफ। उसके बाद हीरो की प्लेजर तो क्या डिटेल्स है भैया इसका? ये हीरो प्लेजर है, इसका 2019 का मॉडल है। ये 2019 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर है ये। फर्स्ट ओनर है ये भी, फर्स्ट ओनर है। और कितना किलोमीटर चला है ये? चला हुआ है 35,000 किलोमीटर। लगभग 35,000 किलोमीटर ये चला हुआ है। 19 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर स्कूटी है। और प्राइस क्या रखा है आपने? इसका प्राइस है 45,000 रुपया। 45,000 प्राइस रखा है इसका। और ये प्राइस भी नेगोशिएबल है। और 2019 के मॉडल में रिफाइनेंस हो जाएगा, इसमें भी रिफाइनेंस हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं बजाज की सिटी 100 की तरफ। क्या डिटेल्स है इसका? इधर आ जाओ। ये बजाज सिटी 100 है, 2019 का मॉडल है ये। ये भी 2019 की मॉडल है ये। और कितना किलोमीटर चला है लगभग ये? ये भी 35-36,000 किलोमीटर रन हुआ है। 35-36,000 किलोमीटर चला हुआ है ये बाइक। और फास्ट ओनर है ये भी? ये फास्ट ओनर है, ये भी फास्ट ओनर है। 2019 का मॉडल है ये। और प्राइस क्या रखा है आपने? इसका प्राइस है 45,000 रुपीज। 45,000 रुपीज ओनली सिटी 100 2019 का मॉडल है ये। और ये प्राइस भी थोड़ा बहुत नेगोशिएबल यहाँ पे हो जाएगा। और जो लोग हमारे चैनल की तरफ से आएंगे उनके लिए थोड़ा बहुत डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और बाइक की सेक्शन यही तक है, अभी चलते हैं फोर व्हीलर की तरफ। तो अभी आते हैं फोर व्हीलर सेक्शन में। जो हमारा पहला गाड़ी है यहाँ पे महिंद्रा की जीतो, तो क्या डिटेल्स है शिवरा इसका? ये 2018 का मॉडल का गाड़ी है, ये रन हुआ है 37,000 किलोमीटर। 2018 का मॉडल है, लगभग 37,000 के आसपास किलोमीटर चला है इसका। और ये गाड़ी है सेकंड ओनर गाड़ी जो आपको मिलेगा व्हीकल पॉइंट पे। और ये यहाँ पे रिफाइनेंस भी हो जाएगा। प्राइस क्या रखा है आपने इसका? इसका प्राइस है 2,30,000 रुपया। 2,30,000 रुपए प्राइस रखा है 18 का महिंद्रा जीतो सेकंड ओनर। और ये प्राइस थोड़ा बहुत नेगोशिएबल हो जाएगा और रिफाइनेंस भी हो जाएगा। उसके बाद एक और महिंद्रा की सुप्रो, तो क्या डिटेल्स है भैया इसका? ये महिंद्रा सुप्रो है, 2022 का मॉडल है ये। महिंद्रा सुप्रो 2022 का मॉडल है ये। और कितना किलोमीटर लगभग ये चला हुआ है? 28,000 किलोमीटर। ये लगभग 28,000 किलोमीटर चला हुआ है। कंडीशन आप लोग देख सकते हैं आपके सामने ही है जो है कंडीशन। फर्स्ट ओनर है कि सेकंड ओनर है ये? फर्स्ट ओनर है ये, फर्स्ट ओनर है। 2022 का मॉडल है ये। और प्राइस क्या रखा है आपने? इसका प्राइस है 4,50,000 रुपया। 4,50,000 रुपीज प्राइस है इसका 2022 का महिंद्रा सुप्रो। और कंडीशन आप लोग देख सकते हो, इंटीरियर एक्सटीरियर सब आपके सामने ही है। और ये प्राइस नेगोशिएबल हो जाएगा यहाँ पे। और अगर आपको इन गाड़ियों में से किसी भी गाड़ी को लेना है या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे नंबर से आप शोरूम के ओनर से बात कर सकते हैं। तो अभी इधर अंदर का जो लास्ट गाड़ी है हमारा वो है टाटा की टाटा जीप एक्सेल। जीप एक्सेल, तो क्या डिटेल्स है शिवदा इसका? इधर आ जाइए। 2018 का मॉडल है ये। जीप एक्सेल भी 2018 की मॉडल है ये। सात फुट डाला का है। अच्छा, ये पीछे का जो डाला होता है वो 7 फीट का है, ठीक है। और इंटीरियर आपके सामने। और फर्स्ट ओनर है कि सेकंड ओनर है? ये फर्स्ट ओनर है, ये भी फर्स्ट ओनर गाड़ी है। और किलोमीटर लगभग कितना चला है? एक किलोमीटर चला हुआ 26,000 किलोमीटर। लगभग 26,000 किलोमीटर चला हुआ है ये। फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 2018 का मॉडल है, जीप एक्सेल टाटा की तरफ से। और कितना प्राइस रखा है इसका? प्राइस 1,60,000 रुपया। 1,60,000 रुपए ओनली टाटा जीप एक्सेल 2018 की मॉडल। और अभी अंदर का तो हमने दिखा दिया, अभी बाहर भी है स्टॉक। अभी यहाँ पे वीडियो खत्म नहीं है, बाहर चलते हैं और बाहर का जितना भी स्टॉक है वो आपको दिखाते हैं। चलिए, तो अभी बाहर जाने से पहले जो आपको जानना बहुत जरूरी होता है कि ओनरशिप चेंजेस का क्या मसला है वो जान लेते हैं पहले। तो भैया ओनरशिप का क्या मसला है? देखिए, ओनरशिप तो हमारे इधर से ही चेंजेस हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। हाँ, सब कुछ हम कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, एकदम। और देखिए, और एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जो बाइक के बारे में जो रिफाइनेंस का बात है ना, तो एक्चुअली हम लोग तो ऑक्शन से गाड़ी लाते हैं। अच्छा, बाइक तो हर कोई ऑक्शन का हर कोई बाइक में अगर रिफाइनेंस होगा ऐसा नहीं है। रिफाइनेंस कुछ कुछ आइटम में नहीं होता है। कुछ कुछ आइटम में नहीं होता है और कुछ कुछ आइटम में हो जाता है, ज्यादातर आइटम में ही हो जाएगा।
यहाँ पे बाइक जो हमने दिखाए यहाँ पे, हाँ, इनमें हो जाएगा, हाँ इनमें हो जाएगा। एक दो आइटम आपका वो सुपर स्प्लेंडर और एंट्रॉक जो है, हाँ, जो आपका इसमें आपका होता भी है, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं हो जाता है, वो प्रोसेस के ऊपर है, प्रोसेस के ऊपर। आप इंटरेस्टेड हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, बाकी आप ऑन टेबल बात कर सकते हो, लॉग इन मारने के बाद ही पता चलेगा कि होगा कि नहीं होगा, बाद में ही पता चलेगा कि रिफाइनेंस होगा कि नहीं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और रिफाइनेंस के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कस्टमर का सिविल अच्छा होना चाहिए, सिविल अच्छा होना चाहिए, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम करता है। और ओनरशिप चेंजेस के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको? सेम आधार कार्ड और पैन कार्ड होने से ही हो जाएगा, आधार कार्ड और पैन कार्ड होने से ही ओनरशिप चेंजेस यहां पे हो जाएगा, आधार कार्ड दोनों में से एक होने से ही, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस तो देना नहीं पड़ेगा, नहीं नहीं, नहीं। जितना भी वो आपको प्राइस बोला, हाँ, सब इंक्लूड करके ही बोला। और एक बात क्लियर कर देता हूँ, हमारे इधर हर गाड़ी में, हर बाइक में कुछ फैसिलिटीज भी है, वो मैं थोड़ा बता देता हूँ। अगर आप कोई बड़ा गाड़ी लेते हैं हमसे, जीतो, सुप्रो वगैरह ये सब गाड़ी, उसमें 6 महीने का हमारा शोरूम के तरफ से इंजन और गियरबॉक्स के ऊपर वारंटी रहता है। 5 पैसा का भी खर्चा आएगा, 50,000 का भी खर्चा आएगा, वो शोरूम टोटल शोरूम बेयर करेगा, सिक्स मंथ में वारंटी रहेगा शोरूम वाले इंजन और गियरबॉक्स के ऊपर, फोर व्हीलर पे, ये हर कोई नहीं देता बॉस। हाँ। यहाँ पे व्हीकल पॉइंट पे आपको मिल रहा है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब। टू व्हीलर पे, बाइक पे, हाँ, आपका एक हेलमेट फ्री रहता है, हेलमेट। आप कोई भी टू व्हीलर में आप कोई भी ले लो, आपको एक हेलमेट मिलेगा ही मिलेगा। हाँ। और फोर व्हीलर में आप कोई भी ले लो, चाहे टाटा जीप एक्सेल या फिर महिंद्रा सुप्रो या फिर जीतो, आपको 6 महीने का वारंटी यहाँ पे मिलेगा आपको इंजिन और गियर बॉक्स के ऊपर। ठीक है भैया, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी चलते हैं सीधा बाहर, और बाहर का जो स्टॉक है वो आपको दिखाते हैं। चलिए, तो अभी आ चुके हैं हम लोग बाहर, और बाहर जो हमारा पहला गाड़ी है, ये क्या गाड़ी है शिवरा? ये टाटा इंट्रा विटन है, टाटा इंट्रा विटन, टाटा इंट्रा विटन है। कंडीशन आप लोग देख सकते हो, बाहर से अंदर से टायर कंडीशन दिखा, वो क्या डिटेल्स है इसका, इधर आ जाइए। ये 2022 का मॉडल का गाड़ी है, 2022 का गाड़ी है ये, फर्स्ट ओनर है, ये फर्स्ट ओनर है, ये भी फर्स्ट ओनर है। कितना किलोमीटर लगभग चला, ये चला हुआ है 20,000 किलोमीटर, ये लगभग 20,000 के आसपास किलोमीटर चला है इसका, और फर्स्ट ओनर है। 2020 का मॉडल, ना 22 का मॉडल, 22 का मॉडल है ये। और प्राइस क्या रखा है इसका? प्राइस है 4,60,000 रुपया, 4,60,000 ओनली, और इसमें रिफाइनेंस हो जाएगा, और प्राइस भी थोड़ा बहुत नेगोशिएबल है, 4,60,000 आस्किंग प्राइस है, इसमें थोड़ा बहुत नेगोशिएबल हो जाएगा प्राइस। तो अभी चलते हैं सीधा एक और गाड़ी की तरफ। अभी हमारे पास है टाटा एसी गोल्ड, क्या डिटेल्स है इसका? ये 2020 का मॉडल का गाड़ी है, 2020 का गाड़ी है, फर्स्ट ओनर है, फर्स्ट ओनर है। अच्छा, ये फर्स्ट ओनर है, कितना किलोमीटर लगभग? ये चला हुआ है 35,000 किलोमीटर, 35,000 के करीब किलोमीटर चला इसका। इंटीरियर दिखाओ भाई ठीक से यहाँ से, और कंडीशन आप लोग देख सकते हो आपके सामने ही है जो है। और प्राइस क्या रखा है इसका? इसका प्राइस ऑल कंप्लीट करके 3,40,000 रुपया, 3,40,000 रुपये इसका आस्किंग प्राइस है, ऑल कंप्लीटेड, आपको कोई भी खर्चा करना नहीं पड़ेगा, रिफाइनेंस हो जाएगा, और प्राइस भी नेगोशिएबल है। और जो लोग हमारे चैनल की तरफ से आएंगे उनके लिए थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। और एक चीज, इन कमर्शियल व्हीकल्स के ऊपर आपको 6 महीने का इंजन और गियर बॉक्स के ऊपर वारंटी चल रहा है, यहाँ पे वारंटी मिलेगा शोरूम की तरफ से, व्हीकल पॉइंट की तरफ से। तो उसके बाद आज की आखिरी गाड़ी की तरफ, तो महिंद्रा की जीतो, क्या डिटेल्स है भैया इसका? ये 2019 का मॉडल का गाड़ी है, 2019 का गाड़ी है। इंटीरियर दिखाओ भाई यहाँ से, कितना किलोमीटर लगभग चला ये? ये चला हुआ है आपका 22,000 किलोमीटर रन हुआ है। अच्छा, 22,000 के करीब किलोमीटर चला है इसका। महिंद्रा जीतो 2019 का गाड़ी है, फर्स्ट ओनर है, ये भी फर्स्ट ओनर है, 6.5 फुट डाला है, 6.5 फुट का, BS4 में सबसे बड़ा, BS4 में सबसे बड़ा, पीछे का जो डाला है वो 6.5 फुट का है यहाँ पे। और प्राइस क्या रखा है अपने इसका? प्राइस आपका 2,40,000 रुपया, 2,40,000 रुपये इसका आस्किंग प्राइस है ओनली, और इसमें भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट हो जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, इंजन गियर बॉक्स के ऊपर भी वारंटी आपको मिल जाएगा इसमें। और एक चीज, स्टॉक सिर्फ यही तक नहीं है, और भी कई स्टॉक है, वो आज हम नहीं दिखा पाए आप लोगों को, और भी कई स्टॉक है गैराज में, वो दिखाएंगे अगले वीडियो में, बहुत ही जल्द वीडियो आने वाला है, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अगला भी, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आपको इन शोरूम पे, इस शोरूम पे किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कोई भी जानकारी लेनी हो, तो नीचे नंबर से आप शोरूम के ओनर से बात कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं, वहां भी आपको डिटेल्स मिल जाए। और आप में से कोई अगर हमारे द्वारा किसी शोरूम का वीडियो बनाना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा भी नंबर दिया हुआ है, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी
वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।